So hi everyone, this is Rishabh Jain and in today's video we will discuss about top 5 unknown Fiverr gigs which require zero skill and knowledge and you can start earning money with them very very soon. अगर आपके पास कोई भी skill नहीं है तो आप इन gigs में अपना account create करो, मतलब ये gigs create करो, then you would be able to get orders very fast और किसी भी तरह की skill की requirement नहीं है. इनकी demand बहुत high है, supply उतनी ज़्यादा नहीं है comparatively, तो there are decent chances कि आपको जो है इनमें order मिल जाए. So let us start with gig number one and that is nothing but transcription. Transcription क्या होता है? देखो यार, जितने भी आपकी videos होती हैं YouTube पे, जितने भी audios podcast होती हैं, उनके नीचे आपको captions चलते हुए दिखते हैं ना, जो English में लिखे हुए होते हैं captions, तो वो सारा काम transcription, राइट? ये सब ट्रांसक्रिप्शन के अंडर आता है सारा का सारा काम. तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो खुद तो लिखने बैठेंगे नहीं, है ना, तो वो क्या करते हैं, फ्रीलांसर्स हायर कर लेते हैं, तो फ्रीलांसर्स उनका ये काम करते हैं. तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि आप खुद देखो, ज्यादा ज्यादा कॉन्टेंट क्रिएशन बूम कर रहा है. जितना ज्यादा कॉन्टेंट क्रिएशन बूम करेगा उतने ही ज्यादा ट्रांसक्राइबर्स की डिमांड इंक्रीज होगी, राइट? और अगर मैं आपको fiverr.com पे जाके भी दिखाऊं तो इसमें बहुत कम गिग्स बनी हुई है. अगर मैं ऑनलाइन सेलर्स कर दूं तो बहुत ही ज्यादा कम, 200 के करीब सर्विसेज अवेलेबल हैं. तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको जो है इस गिग में ऑर्डर मिल जाएगा. तो यू कैन स्टार्ट मेकिंग सबटाइटल्स या फिर जैसे हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, बस इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको एक कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, लैपटॉप की. अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप आजकल तो मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाता है कीबोर्ड, तो शुरुआत वहां से कर सकते हो, लैपटॉप नहीं है तो, राइट? क्योंकि ना करने के तो 100 बहाने हैं, करने के लिए एक ही वजह काफी होती है, राइट? थोड़ी सी गलत हो गई कहावत लेकिन कोई बात नहीं, समझ गए ना आप. ओके, सो इस तरह से आप ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकते हैं. इसके लिए कोई ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है. अगर आप हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड गिग एंड दिस इज नथिंग बट सोशल मीडिया मैनेजमेंट. अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है भाई? देखो, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, बिजनेसमैन है या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर है, राइट, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो इनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट कब डालनी है ये सब ध्यान रखें, राइट? या फिर डाल रहे हैं फिर उसके बाद कमेंट्स आ रहे हैं उन पे, सबको यही रिएक्ट करें. तो इसके लिए फ्रीलांसर्स हायर करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स को हायर कर लेते हैं. वो क्या करते हैं, इनकी अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर है तो आपका क्या काम होगा, पोस्ट करना, राइट, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, YouTube कम्युनिटी पोस्ट करना, जितने भी कमेंट आ रहे हैं उन पे एंगेज करना, उनका रिप्लाई करना, हैशटैग ऐड करना, राइट? फिर पोस्ट होने के बाद जितने भी काम होते हैं वो सब प्लान करना कि कब जो है पोस्ट होगी, शेड्यूल करना, ये सब काम जो है सोशल मीडिया मैनेजर के होते हैं. तो आप इस तरह से लोगों की सोशल मीडिया हैंडल करना स्टार्ट कर सकते हो. इसमें अच्छी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आप 100 लोगों के ऑर्डर जो है एक महीने मिले. अगर आपको 3 से 4 क्लाइंट भी मिल जाते हैं देन दैट इज सफिशियंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको लाग कर दिखाऊं fiverr.com पे, तो जो एवरेज चार्ज है सोशल मीडिया मैनेजर का वो है 7,000 रुपए, 15,000 रुपए, 4,000 रुपए, 15,000 रुपए. तो इस तरह के अगर आपने 2, 3, 4 क्लाइंट भी पकड़ लिए महीने के, तो दैट इज सफिशियंट फॉर यू, राइट? आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस आपको पोस्ट ही तो शेड्यूल करनी है उनकी, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक गिग अगर आपको दिखाऊं, तो आई विल मैनेज एनी वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर 30 डेज, 1 post per day. ओके, क्या कह रहे हैं कि डेली एक पोस्ट डालेंगे 30 दिन तक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम या फेसबुक, एक से ज्यादा नहीं, और डेली एक पोस्ट डालेंगे, उसके लिए 7,000 रुपए. तो अगर आप ऐसे 4 क्लाइंट भी पकड़ लो तो आपको दिन की बस 4 पोस्ट डालनी है, राइट? कोई बड़ी बात नहीं है, 10-12 पोस्ट तो मैसे भी डाल देते हैं, राइट, फेसबुक पे, और उसके लिए आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है मिल जाएगा. कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपको बेसिक सोशल मीडिया का ज्ञान है तो आप इसे फ्रीलांस अपनी स्केल बना सकते हो फ्रीलांसिंग की. ओके, और मेरे हिसाब से आज की डेट में बच्चे बच्चे को सोशल मीडिया का ज्ञान है, सो वी कैन मोनेटाइज अवर दिस स्किल एज वेल. लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड गिग व्हिच रिक्वायर्स जीरो स्किल एब्सोल्युटली एंड दिस इज प्रूफ रीडिंग. व्हाट इज प्रूफ रीडिंग भाई? जितने भी पोस्ट होती है, ब्लॉग पोस्ट हो गई, आर्टिकल्स हो गए, राइट, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, तो इन सब में अगर एक बार ब्लॉग लिख दिया गया तो उसके बाद उसे शुरू से एंड तक एडिट किया जाता है, फिर उसे रीड किया जाता है, इसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग. कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई लाइन छूट तो नहीं गई, तो ये होती है प्रूफ रीडिंग. ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि बोर्ड के पेपर में पेपर लिखने के बाद शुरू से एंड तक रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो बहुत कम बच्चे करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है. तो जितने भी अच्छे कॉन्टेंट क्रिएटर होंगे वो अपने कंटेंट को, अपने पोस्ट को, अपने ब्लॉग पोस्ट को प्रूफ रीड जरूर कराते हैं.
तो उनके पास इतना टाइम है नहीं, वो अपना टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी चीजों पे लगाते हैं, इसलिए वो फ्रीलांसर्स को हायर कर लेते हैं जो कि उनके कंटेंट को प्रूफ रीड कर सकें। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर एक 100 वर्ड की पोस्ट है तो आपको बस उसे रीड करना है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसे करेक्ट कर देना है, कोई मिस्टेक है उसे करेक्ट कर देना है, कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ओके, और एक टूल है बहुत ही फेमस ग्रामरली, इसका भी यूज कर सकते हैं आप, इससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी प्रूफ रीडिंग में, बहुत जल्दी आपके काम जो है वो होने लगेंगे। ओके, तो इस तरह से आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर फाइवर पर ला के ऑनलाइन सेलर्स दिखाऊं तो सिर्फ और सिर्फ इस समय 800 लोग ऑनलाइन है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक्टिवली, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको जो है कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा और फुल लाइन एडिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रूफ रीडिंग की, क्या क्या स्पेलिंग वगैरह, पंक्चुएशन, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें जो है चेक कर देंगे। और 400 वर्ड के आर्टिकल को प्रूफ रीड करने के $5 चार्ज कर रहे हैं। तो अगर दिन में आपने ऐसे 10 आर्टिकल भी प्रूफ रीड कर दिए, देन दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू। लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ केक, एंड दिस इज नथिंग बट बिकमिंग अ वर्चुअल असिस्टेंट। अ वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, देखो जितने भी बिजनेस ओनर्स होते हैं उन्हें अपने VA चाहिए होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि उनके छोटे मोटे काम में उनकी हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है तो उसे एक्सेल शीट मैनेज करने के लिए एक बंदा चाहिए, राइट, क्या चीज ट्रेंड में है ये रिसर्च करने के लिए एक बंदा चाहिए, फिर कौन सी, कोई टी शर्ट प्रिंट का बिजनेस तो कौन से प्रिंट्स जो है वो चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी पावरी हो रही है जो है ज्यादा फेमस हो रहा है, तो भैया इसके टी शर्ट मुझे प्रिंट करनी चाहिए, या फिर बचपन का प्यार ज्यादा फेमस हो रहा है तो इसके टी शर्ट मुझे प्रिंट करनी चाहिए। तो ये सारी रिसर्च कौन करता है, ये सारी रिसर्च करता है वर्चुअल असिस्टेंट। जो बिजनेस ओनर है वो तो मेन अपने बिजनेस पे ध्यान देगा ना, जो छोटी मोटी चीज है जैसे कि डेटा एंट्री का काम हो गया, एक्सेल शीट का काम हो गया, या फिर जितने भी रिसर्च वर्क हो गया, सोशल मीडिया हैंडल करना हो गया, वेबसाइट पे जाके कुछ चेंजेस करने, छोटे मोटे वर्डप्रेस पे जाके वो करने हो गए, तो ये सारे काम वर्चुअल असिस्टेंट करता है। तो आप जो है अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, स्टिल यू वांट टू अर्न मनी बाय फ्रीलांसिंग, छोटी मोटी पॉकेट मनी आप अर्न करना चाहते हैं, छोटी मोटी नहीं डिसेंट पॉकेट मनी में बोलूंगा, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। आप 4-5 क्लाइंट्स को पकड़ लीजिए जिन्हें आप असिस्ट कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, देन यू कैन अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ रेगुलर मनी। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द फिफ्थ गिग, एंड दिस इज माय फेवरेट, दिस इज बैकग्राउंड रिमूवल। अब बैकग्राउंड रिमूवल क्या होता है, देखो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस को, अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, शॉपिफाई स्टोर खोल रहे हैं, या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ेंगे तो उनकी इमेजेस डालनी पड़ेगी, और इमेजेस आपने देखा होगा जितनी भी होती है उनके बैकग्राउंड व्हाइट होते हैं, एकदम ब्लैंक। तो अब ऐसे तो खींचते नहीं है ज्यादातर इमेजेस, हो सकता है हमने खींची और उसके बाद उसे एडिट करके हम बैकग्राउंड को रिमूव कर रहे हैं, तो ये सारा काम है बैकग्राउंड रिमूवल का। तो आप जो है ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक गिग आपको दिखा रहा हूँ, आई विल फोटोशॉप एडिट 100 इमेजेस इन 12 आवर्स। यहाँ पर 25 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए $5 चार्ज कर रहे हैं, राइट। अच्छा भैया तो बैकग्राउंड रिमूव करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगता, आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना होता है और सारा काम जो है सॉफ्टवेयर अपने आप कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट टेक यू टू canva.com और यहाँ पे मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक इमेज ले लूंगा, राइट, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टॉय, तो जैसे कि ये वाली एक इमेज है, मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ। मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, एडिट इमेज में जाऊंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन है, इस पे जाऊंगा। ओके, तो ये जो है जल्दी से, बिल्कुल 3 से 4 सेकंड लगते हैं इसे, आपके इंटरनेट कनेक्शन पे मैटर करता है क्योंकि कैनवा जो है वो इंटरनेट पे चल रहा है ना, इसलिए। तो ये जल्दी से जो है मेरा इसका बैकग्राउंड रिमूव करके मुझे दे देगा, और बैकग्राउंड इतना ज्यादा एक्यूरेटली रिमूव होता है कि ये देखो बिल्कुल इसने मेरा एकदम करेक्ट बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, ना बैकग्राउंड एक्स्ट्रा आया है और ना ही जो मेरा कंटेंट है वो इसने यहाँ से हटाया है। और अगर बाई चांस हो भी जाता है तो आप यहाँ से इरेज इरेज कर सकते हैं या फिर रिस्टोर कर सकते हैं, ऑल दो उसकी जरूरत नहीं है, ये 99.9% केसेस में एकदम सही आपको काम करके देगा। तो बस आप इसे अब एक्सपोर्ट कर लीजिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ और डिलीवर कर दीजिए अपने क्लाइंट को। तो इस तरह से इतना कम टाइम लगता है बैकग्राउंड रिमूव करने में। तो अगर आप दिन की 100 इमेजेस भी कर रहे हैं बैकग्राउंड रिमूवल, तो उसमें आपको 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन अर्न मनी बाय रिमूविंग बैकग्राउंड्स। सो गाइज, दीज वर top 5 अननोन फाइवर गिग्स विच रिक्वायर 0 स्किल लिटरली, एंड इफ यू वॉन्ट टू अर्न मनी क्विकली देन यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन दीज। अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तभी जाना, अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि कोई स्किल अपनी बनाओ, तुम्हारी वैल्यू ज्यादा होगी फ्रीलांसिंग में।
All right. So that's all for today, guys. If you enjoyed the video, then make sure that you hit the thumbs up button and subscribe to the channel for more amazing content. Milte agli video mein. Till then, bye bye.